राजस्थान में सत्ता हाथ से जाने के बाद सिर्फ 2019 के लोकसभा चुनावों में ही बीजेपी में एकजुटता दिखी। इसका फायदा पार्टी को मिला और राज्य की सभी 25 सीटें बीजेपी के खाते में आ गईं। लेकिन इसके बाद राज्य की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को साइड करने की पार्टी की नीति का उल्टा असर पड़ा और निकाय चुनावों में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अब पार्टी एक बार फिर वसुंधरा राजे की शरण में जाती नजर आ रही है, तो क्यों पार्टी को जरूरत है वसुंधरा की, देखिए इस रिपोर्ट में। राजस्थान निकाय चुनाव के बाद झारखंड और दिल्ली में मिली करारी हार के बाद बीजेपी आलाकमान को समझ में आ गया है कि जब तक वो मजबूत स्थानीय नेतृत्व के हाथ में पार्टी की कमान नहीं सौंपेंगे, तब तक जनता के दिल में उतरना और सफलता हासिल करना नामुमकिन है। यही कारण है कि हाल ही में पार्टी ने झारखंड में बाबूलाल मरांडी की JVM का विलय बीजेपी में करवाया, ताकि आदिवासी समुदाय पार्टी से जुड़ सके। और अब राजस्थान में भी बीजेपी स्थानीय नेताओं को सक्रियता दिखाने के आदेश दे रही है। दरअसल 2018 का राजस्थान विधानसभा चुनाव हारने के बाद बीजेपी में कई गुट बन गए थे और पार्टी में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को पूरी तरह से साइड लाइन कर दिया गया। लेकिन अब पार्टी को फिर वसुंधरा की याद आ गई है, क्योंकि कई मुद्दों को लेकर बीजेपी की प्रदेश इकाई द्वारा सरकार को सही ढंग से नहीं घेरने पर पार्टी आलाकमान नाखुश है। सत्ताधारी दल कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया जा सकता था, लेकिन भाजपा विधायकों ने न तो सदन के अंदर सरकार के समक्ष मुश्किल पैदा की और न ही आम लोगों के बीच माहौल बनाया गया, जिसके बाद पार्टी वसुंधरा को एक्शन मोड में आने की बात कह रही है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को प्रदेश में सक्रियता बढ़ाने के लिए कहा है। उन्होंने वसुंधरा राजे से कहा कि वो प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर कार्यकर्ताओं से रूबरू हो, संगठन को ज्यादा मजबूत करने के लिए जरूरत पड़ने पर पदाधिकारियों को भी सलाह दें। सूत्रों के मुताबिक अगले हफ्ते दिल्ली में वसुंधरा राजे की नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री V. सतीश के साथ बैठक होगी। इस बैठक में प्रदेश के राजनीतिक हालात को लेकर चर्चा करने के साथ ही वसुंधरा राजे की प्रदेश में सक्रियता बढ़ाने को लेकर भी विचार विमर्श होगा। ऐसे में अब इस बैठक पर सभी की नजरें टिकी हैं कि पार्टी आलाकमान क्या फैसला करती है। DB Live की रिपोर्ट।